अभी हमारे साथ यह लोकल के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज कुमार जी, यह जो कल घटना हुई, कैसे हुई, किस कारण? तादाद से ज्यादा भीड़ थी, इसलिए भगदड़ पड़ी थी। एकदम भगदड़ में मतलब जो है लोग दब गए, महिलाएं और बच्चे ज्यादा दब गए। दबने के कारण वो मतलब जो है उठ नहीं पाए। लगभग कितनी लोगों की मौत हुई कि आपको एक अंदाज है? क्योंकि सरकारी आंकड़े तो बहुत कम बता रहे हैं। यहाँ भी एक कुछ समय पहले एक पीड़ित बताया कि 800 लोगों की मौत हो गई। तो इतनी तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि 300 के करीब में तो है ही है। मतलब काफ़ी यहाँ भी डेड बॉडियाँ आई थी, और इधर उधर कुछ लोग वैसे ले गए हैं जो यहाँ नहीं लाए हैं, सो सरकार की नज़र में नहीं है, वो वैसे ही ले गए हैं, वो भी हैं। तो आंकड़ा ये है कि कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। अचानक भगदड़ मच जाना और लोगों की मौत हो जाना बड़ी बात है। किसकी कमी है इसमें? सरकारी जो सरकारी कर्मचारियों की या बाबा की? नहीं, सरकारी कर्मचारी तो कम थे और जनसंख्या ज़्यादा थी, तो आखिर वो ऐसे कैसे सवाल पाते? प्रशासन इतना नहीं सवाल पाएगा। प्रशासन कम था, जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए मतलब जो काफी छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जिसके घर की खत्म, सब चीखे बिलखते होंगे। चीखते बिलखते और बड़े परेशान रहे, क्योंकि बिछड़ गए थे, ज़्यादा बिछड़ गए हैं। ये भी नहीं पता चल रहा है मतलब जो है कि कौन कहाँ चला गया, कौन किधर बिछड़ गया, भटक गया, मर गया, टूट गया, कोई पता नहीं चला। अभी ये जो घटना हुई, यहाँ से कितनी दूरी पे वो घटना हुई है लगभग? यहाँ से? हाँ, यहाँ से तो करीब है 4-5 किलोमीटर। वहाँ पे घटना हुई थी? हाँ, वहाँ घटना हुई थी, सरकारी हॉस्पिटल से। अभी राज्य के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो भी जिला अस्पताल पे आए, निरीक्षण चले गए जी? अभी यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं है, जिला अस्पताल पे आए? नहीं, जिला अस्पताल हाथरस पे आए थे जी, यहाँ नहीं आए सिकंदराबाद वाले पर। क्योंकि मृतक परिवारों को 2 लाख रुपए, जो घायल है उनको 50,000 रुपए देने का ऐलान किए। वो तो क्यों रात बोल दिया था टीवी पर, वो ही है मतलब जो 2 लाख रुपए। अभी हमारे साथ एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, इनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। अच्छा, आप यहाँ पैसेंजर को ढोते हैं, लेके जाते हैं, कल का कैसा दृश्य था? कल का भी सर यही था कि मतलब गर्दी ज़्यादा थी, इतनी सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस की भी सुविधा कम थी यहाँ पे। बहुत एक दो एम्बुलेंस थी यहाँ पे, इतनी बड़ी पब्लिक होने के बावजूद एक दो एम्बुलेंस हो रही है, ये कमी किसकी है? किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं, लापरवाही किसकी? लापरवाही तो इसमें ज़्यादातर प्रशासन की ही मानी जाएगी, क्योंकि प्रशासन को पूरी, जब इतनी लाखों की तादाद में सर पब्लिक आ रही है, तो 50-40 एम्बुलेंस वहाँ होनी चाहिए, डॉक्टर की अच्छी सुविधा वहीं होनी चाहिए। अब यहाँ सुविधा है, वहाँ से 5 किलोमीटर का ये दूरी है, आदमी पेशेंट वहाँ पे गंभीर है, यहाँ तक लाने में जब तक डेड बॉडी उसकी कहानी खत्म हो रही है, वहीं सुविधा होनी चाहिए थी ना। ये कमियाँ प्रशासन की हैं ज़्यादातर। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकंदरा राव, ये जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत किया और आप खुद देख रहे किस तरीके से लोग अपने दुख और दर्द को बयां कर रहे हैं। फिलहाल आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद हाथरस।